मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सीएस कंप्यूटर ब्रांच के 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी सब्जेक्ट के यूनिट 6 फंक्शंस में सब टॉपिक 6.7 स्टोरेज क्लासेस टाइप। ये वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल को हम पहले डिफाइन जो करते थे वो जो है उसका स्टोरेज नहीं बताते थे कि स्टोरेज कहाँ होगा, तो स्टोरेज वो डिफॉल्ट होता था लेता था। अब हम इसमें स्टोरेज भी बताएंगे और क्या रहेगी उसकी लोकेशन और कब तक उसका जो है लाइफ टाइम रहेगा, ये सारी चीजें इसमें हम बताते हैं। तो इसमें डेटा टाइप और स्टोरेज क्लास दोनों चीजों को बताया जाता है। तो इस प्रकार के वेरिएबल सी में डिफाइन किए जाते हैं और ये चार प्रकार के वेरिएबल होते हैं। इन चार वेरिएबल में हम कॉमन जो चीजें होती है वो है वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, यदि वेरिएबल में वैल्यू नहीं तो क्या वैल्यू लेगा वो, वेरिएबल का स्कोप या विजिबिलिटी क्या है, क्या स्कोप रहेगा उसका जो है, और लाइफ टाइम क्या है वेरिएबल का। तो ये चार चीजें हैं जो है इसमें होती हैं और इन चार चीजों को हम जो है डिफाइन करके चलते हैं और इनको ये उपयोग करते हैं। तो इसको कहाँ प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहिए और कौन कौन से प्रकार है इसके। तो पहला जो प्रकार है वो है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास टाइप। ये ऑटोमेटिक जो पहले हम डिफाइन करते थे ये डिफॉल्ट क्लास भी कहलाती है और इसका कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड ऑटोमेटिक का होता है ऑटो। इसको जो डिफाइन करने का तरीका ये है, हम किसी भी वेरिएबल के आगे ऑटो लगा देते हैं और ऑटो लगाने के बाद जैसे ऑटो इंट और फिर एक्स कर दिया, तो ये जो है ऑटो इंट एक्स इंटीजर टाइप है और इसकी जो है टाइप जो है स्टोरेज टाइप है ऑटो। तो हम कोई वेरिएबल अगर नहीं भी डिफाइन करते तो वो ऑटो कैटेगरी में रहता है और डिफॉल्ट ये कहलाता है इसीलिए। और इसका जो है स्टोरेज जो रहती है, स्टोरेज इसकी जो है पीएम होती है, प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है और फिर इसका जो है डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इस वेरिएबल की। यदि हम वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते तो वो वैल्यू क्या लेगा इसमें, तो ये कोई भी वैल्यू ले लेता है उसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू और कोई अपने हिसाब से ही ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है, ले लेता है। तो गार्बेज वैल्यू लेता है इनिशियल वैल्यू अगर आपने नहीं दी। और इसके बाद है स्कोप या विजिबिलिटी। तो इसका जो स्कोप होता है जिस फंक्शन में हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उस फंक्शन में है ही इसका स्कोप रहता है। दूसरे फंक्शन में ये जो है फिर से डिफाइन करना होता है, यदि हमने डिफाइन नहीं किया है तो ये उसमें जो है विजिबल नहीं होगा, इसमें काम नहीं करेगा। और इसका जो है जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम वो केवल उसी फंक्शन तक ही सीमित रहता है और फंक्शन खत्म होने के बाद इसका लाइफ भी खत्म हो जाता है, वहीं तक रहता है। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो वेरिएबल होता है वो कहलाता है रजिस्टर्ड वेरिएबल। ये फास्ट वेरिएबल होता है और इसका जो है स्टोरेज जो रहता है रजिस्टर्ड वेरिएबल की वो सीपीयू की मेमोरी में रहता है और सीपीयू मेमोरी मतलब सीपीयू के किसी भी एक रजिस्टर में इसको स्टोर किया जाता है और इसको हम रजिस्टर लेते हैं, कीवर्ड इसका रजिस्टर ही होता है। और प्राइमरी स्टोरेज में इसको जो है स्टोर किया जाता है ये जो है रजिस्टर में। तो सीपीयू का कोई एक रजिस्टर इंगेज होगा और एक अगर आपने रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो दूसरा रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन जब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो जो है रजिस्टर खाली नहीं हो जाएगा। स्टोरेज इसका जो है ये हो गया, कीवर्ड रजिस्टर ही है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ये लेता है तो ये गार्बेज वैल्यू को ही लेता है, कोई भी वैल्यू ले लेगा। स्कोप जो है इसका जो स्कोप रहता है वो केवल एक फंक्शन तक ही सीमित रहता है, जैसे ऑटो का रहता है उसी प्रकार से एक फंक्शन में ही ये विजिबल रहेगा, दूसरे फंक्शन में ये नहीं रहता है। और लाइफ टाइम इसका जो है फंक्शन के साथ ही ये खत्म हो जाता है, जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद ये जो है आगे खत्म हो जाता है, आगे काम नहीं करेगा। इसी तरह से तीसरा जो वेरिएबल है वो कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। एक बार ही डिफाइन किया जाता है इसको
और ये जो है कीवर्ड जो है इसका स्टैटिक है, स्टैटिक कीवर्ड होता है। स्टोरेज इसका जो है ये वैल्यू जो लेता है, प्राइमरी मेमोरी रहेगी इसकी, प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। और इसका जो है इनिशियल जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो गार्बेज न होके जीरो हो जाती है इसकी वैल्यू। ये अगर जीरो ले लेगा, अगर कोई वैल्यू आपने नहीं दी है तो जीरो वैल्यू होती है। और उसी फंक्शन में ये जो है काम करता है, जिस फंक्शन में इसको डिफाइन किया गया है स्टैटिक को, उसमें वर्क करेगा और लाइफ टाइम भी उसी फंक्शन तक सीमित रहता है। तो ये एक बार इसको इनिशियलाइज किया जाता है और इनिशियलाइज करने के बाद वही वैल्यू वो जो है आगे तक लेता है, दोबारा इसको इनिशियलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तीसरे चौथे टाइप का जो है वो कहलाता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम फंक्शन स्टार्ट होने से पहले सी में डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स जो मेन फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय उसके ऊपर हम यहाँ पर एक्सटर्न की वर्ड जो है उससे डिफाइन करते हैं। और एक्सटर्न करने के बाद ये वेरिएबल जो है सभी फंक्शन में वर्क करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब में करता है। और प्राइमरी मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है और जितने भी होते हैं। और इनिशियल वैल्यू इसकी जो है होती है जीरो होती है, और कोई वैल्यू अगर आपने नहीं दी है इसको तो वो जीरो लेके आगे चलेगा। और सारे फंक्शंस में पहले, क्योंकि इसको सबसे ऊपर डिफाइन किया है, तो जितने भी फंक्शन आपने उसमें सी प्रोग्राम में बनाए हैं उन सब में वर्क करेगा। तो ये आगे तक विजिबिलिटी इसकी सभी फंक्शंस में होती है, केवल इसको यूज करना है फंक्शन में और ये फंक्शन में यूज करने के बाद। लेकिन आपने किसी फंक्शन में वापस इसको डिफाइन कर दिया तब ये वर्क नहीं करेगा, ये जो है ऊपर जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू को लेके आगे चलेगा और उसी वैल्यू को मानता है। तो लाइफ टाइम भी इसका जो है पूरे फंक्शंस में रहता है, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये जो है लाइव रहता है और इसको जो है हम काम में लेते हैं। थैंक यू।